देखो पराठा बन रहा है। किसका पराठा है ये? आलू का दिखाओ। अरे मर्जी आओ जितना खाओ, कहीं बात है। और कहीं सोगरा भी है अटे, जबरदस्त ना। एक 10 रुपए की बेसन का गट्टा या कोई भी 10 रुपए की सब्जी लेकर 4 प्लेन रोटी लेकर 30 रुपए के अंदर अपनी प्लेट खुद डिजाइन कर सकता है। छोले और ये दिखाएं, मटर पनीर, ये सब। अच्छा ये शाही मांगे ना, ये 30 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ये दिखाएं मैम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हजरात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हम लोग आपको एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त खाने की स्पॉट्स बताते हैं। आज हम लोग उसी सिलसिले में एक और नई जगह लेके आए हैं। आज हम लोग जाएंगे राठनाड़ा, वहाँ आपको सबसे सस्ती खाना खिलाएंगे। यार मतलब 20-30 रुपये में आपको गाजर का हलवा मिल रहा है, 10-20 रुपए में सब्जी मिल रही है, 10 रुपए में 2 रोटी मिल रही है। आज हम लोग जाएंगे राठनाड़ा पे, लोकेटेड है रजवाड़ी तड़का, और वहाँ पे जाके ज़बरदस्त चीप खाना और ज़बरदस्त अच्छा खाना। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। मतलब मात्र 10-20 रुपए में आपको गट्टे की सब्ज़ी और ये सब चीज़ें मिल रही है यार, तो आपको और क्या चाहिए। चलिए सीधे वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। आ जाए साहब, ये देखिए आप सामने ना भास्कर चौराहा है, यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो राठनाड़ा की जो सब्ज़ी मंडी वाला चौराहा है वो आ जाएगा। उसके एकदम पास में आपको पता है वो समोसा वाला हमने बनाया था, आंटी जो समोसा बेचते हैं उसके एकदम पास में, वहाँ पे एक चाय वाला भी है, उसके एकदम पास में इन्होंने रजवाड़ी तड़का स्टार्ट किया है। तो हम लोग वहाँ जाके उनका ज़बरदस्त सस्ता खाना, 30 रुपये में खाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलिए देखो बस आने वाला है यहाँ, ये देखिए चौराहा आ गया। यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे वापस, राउंड अबाउट से पूरा यू टर्न करेंगे। जीवन का बनाया था ना, देखिए जीवन का, और ये रहा रजवाड़ी तड़का। ये देखिए रजवाड़ी तड़का, ये रजवाड़ी तड़का आ गया है। मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ इधर थोड़ा सा। यस, हम लोग यहाँ पे रजवाड़ी तड़का पे आ चुके। खांसी हो गई यार, मौसम थोड़ा चेंज हुआ ना तो खांसी ज़्यादा हो गई मुझे। आज हम लोग यहाँ आए रजवाड़ी तड़का में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मात्र 10 रुपए में आपको यार गट्टे की सब्ज़ी मिल रही है, जोधपुरी कढ़ी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास में। इनका पूरा वहाँ पे एक बोर्ड है, उसमें उन्होंने पूरा डिस्प्ले में लगाया हुआ है कि आपको 10-10 रुपए में क्या सब्ज़ी मिल जाएगी। बात 10 रुपए की नहीं, लेकिन 10 रुपए में जो ये खाना सर्व करें वो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। चलिए अंदर चलते, देखिए बाहर अगर आप आएंगे ना, ये क्या बना रहे हैं आप? गर्मा गर्म देखो पराठा बन रहा है। किसका पराठा है ये? आलू का दिखाओ। अरे मर्जी आओ जितना खाओ, कहीं बात है। और कहीं सोगरा भी है अटे, ज़बरदस्त। तो ये आपको देखिए एकदम लाइव यहाँ पे ये बना रहे हैं, बाहर अंदर भी अपन चलेंगे, लेकिन कितना ज़बरदस्त इन्होंने आलू का पराठा बनाया है। चलिए अंदर चलते हैं जी। बढ़िया खिलाओ, नहीं कम पैसा में एकदम बढ़िया खाना। नहीं तो देखिए हम लोग यहाँ आ गए अंदर। हाँ आइस कोल्ड। हेलो सर, कैसे सर आप? सब ठीक है? कैसे चल रहा है अपना ये? नहीं नहीं, ऐसा ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, ये सब भगवान के हाथ में, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरे रेस्टोरेंट में क्या होगा, लेकिन आपकी क्वालिटी की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आप बहुत कम पैसे में ज़बरदस्त खाना आप उनको सर्व करते हैं। विजन जब स्टार्टिंग के टाइम ये था कि पैसा वाले आप इस तरह से चार्ज करो कि क्वालिटी हम दे पाए या नहीं दे पाए, तो हमने हमारी टीम ने पहले ये डिसाइड किया कि हम इस रेट पे क्वालिटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हम दे पा रहे हैं। खाना तो आज भी 30-40 में लोग खूब खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ खिला, क्वालिटी के साथ चैलेंजिंग जॉब है। आपको याद होगा हमने इनका एक वहाँ बरकतुल्ला की, तो हाँ वहाँ पर हमने इनका कवर किया था और आपने बहुत पसंद किया था वीडियो। वो थाली इतनी फेमस हुई थी कि लोग दूर दूर से आए थे। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है सर यहाँ का, मुझे बताएं। मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पे पूरा आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर एक्चुअली हम मेन्यू आउटलेट पे नहीं आते, हम बोर्ड आउटलेट में हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन्यू नहीं है अपने पास? बिल्कुल मेन्यू नहीं है हमारा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पूरा जो मेन्यू है वो अपडेटेड होता है। उसका कारण ये है कि जब हमने स्टूडेंट थाली चला के जो रेवोल्यूशन लाए थे जी, तो उसके अंदर एक और समस्या का हमको एक मिला है इसके अंदर। एक तो क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हो आज जो थाली के अंदर है, दाल है, आलू टमाटर है। आप कहते हो कि मैं आलू टमाटर तो खाता ही नहीं हूँ, मैं क्यों खाऊं? लेकिन मजबूरी है, वो थाली फिक्स पैटर्न में होती है, इसलिए हमने सोचा कि इसके अंदर क्या और
पेनिट्रेशन लेके आ सकते हैं। तब हम जोधपुर में यूनिक कंसेप्ट लेके आए, टोकन आउटलेट कंसेप्ट। टोकन, अच्छा, यहाँ पे मुझे टोकन आपसे खरीदना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पे काउंटर पे टोकन कटवाने पड़ेंगे। जैसे कि अब आप कहते हो कि सर मेरे को भट्टे की सब्जी खानी है, छोले मसाले खाने हैं, दाल खानी है, जो भी यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है सबकी वैल्यू ₹10 है। ₹10, अच्छा ₹10 में आपको सब्जी मिल जाएगी, मात्र ₹10 में? मात्र ₹10, क्या बात है। आपको इसमें सब्जी मिल जाएगी, मात्र ₹20 में आपको हलवा मिल जाएगा। ओहो, मात्र ₹30 में आपको शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, जो सुबह शाम दोनों टाइम अपडेट होता है। क्या बात है, मतलब अगर शाही सब्जी आपको चाहिए तो मात्र ₹30 में आपको मिल जाएगी। वाह सब, ये सब चीजें आपको ट्राई करनी तो आपको इनकी यहाँ पे राठन अड्डा पे जो सब्जी मंडी का जो चौराहा है वहाँ पे इन्होंने अभी नया आउटलेट स्टार्ट किया रजवाड़ी तड़का, यहाँ पे आपको सबको पधारना है और इनको खिदमत का मौका देना है। हाँ भाई साहब आगे बताएं। सर इसके अलावा हमारे पास 3 तरह की वैरायटी ऑफ थाली है। जी जी, 150 रुपीज़ की हमारी जो रजवाड़ी स्पेशल है वो है, 100 रुपये की थाली है, 160 रुपये की जो हमारे स्टूडेंट के प्यारे स्टूडेंट थाली है। इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या है, जिस बच्चे के पास अगर 20 रुपये का भी बजट है, जी जी जी, या जिस बच्चे के पास सिर्फ 30 रुपये का ही बजट है, एक टाइम खर्च करने का, जो गांव के पीड़ित परिवार से जो आते हैं, वैसे भी जोधपुर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, एक 10 रुपये की बेसन का गट्टा या कोई भी 10 रुपये की सब्जी लेकर 4 प्लेन रोटी लेकर 30 रुपये के अंदर अपनी प्लेट खुद डिजाइन कर सकता है। क्या बात, मतलब कस्टमाइज कर सकता है पूरा, कर सकता है वो, मतलब व्यक्ति, मतलब अगर मात्र 30 रुपये के अंदर आप पेट भर के खाना खा रहे हो ना, 5 रोटी में तो आदमी का पेट फुल हो जाता है। बिल्कुल सर, तो ये तो मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपने मुझे समझा दिया। ज़्यादा आपका जो फोकस है वो स्टूडेंट पे है। मैं जब पहले आया था तो आपने मुझे एक सेक्शन आपने ऊपर स्टूडेंट के लिए पढ़ने के हिसाब से भी बनाया, वो भी अपन देखें। बिल्कुल सर, आइए देखिए। मैं खाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर जैसे ये जो राठौड़ का जो अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके अगर जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो साथ में एक रूम में अगर 10 बच्चे या 5-5 बच्चे भी रहते हैं, तो वहाँ क्या है कि इनको एक माहौल पढ़ने का नहीं मिलता है। तो इन्होंने एक अपना फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा इन्होंने एम्बियंस क्रिएट किया है जहाँ पर बच्चा आराम से पढ़ भी सकता है और सुकून से पढ़ सकता है, और अगर गर्मी की बात करेंगे तो एसी भी अपने ऊपर लगा हुआ है। तो चलिए पहले ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर चलते हैं ताकि मैं, ये क्या लिखा हुआ यार, द वाइफ इज वेर वाइफ इज नेवर रॉन्ग उज़मा, ये आपने लिखा है यार, रिपोर्ट एकदम सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, वाइफ इज नेवर रॉन्ग इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत इंसिस्ट किया, हाँ। हमारे माताजी के कहने पे, तो आपकी माताजी के कहने पे उन्होंने ये लिखा है ना, अब मेरी वाइफ भी हमेशा, अभी जब से मैं आपके यहाँ पहले मुलाकात कर गया ना, ये वाइफ इज नेवर रॉन्ग। हालांकि आप नहीं, 3-4 जन और है जो भी कंप्लेन करके गए, कंप्लेन करके गए, यहां लिखा हुआ हस्बैंड इज एवर राइट। हां अच्छा, यहां भी लिखा हो ना यार, चलो आ जाओ ऊपर, इनका वो दिखाते हैं आपको जहाँ पे बच्चे आराम से अपना फ्यूचर की पढ़ाई कर सकते हैं। आप यहाँ आएंगे तो एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए पूरा इनका यहाँ पे स्कैन सिस्टम है, फेस स्कैन या थंब इंप्रेशन के थ्रू एंट्रेंस हो पाती है, बड़ा हमें सिक्योर्ड वे में रखा हुआ है ताकि रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी दोनों डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब नहीं हो जाए, बिल्कुल। ये क्या बात है, गजब है, मिस क्रिएट किया आपका, बिल्कुल। आप ये अभी लंच टाइम में आए हो आप, कितने बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं? हाँ जी, 100 लोगों की कैपेसिटी देखिए आप, और सबसे बड़ी बात एसी के साथ साथ में इन्होंने फैंस भी लगाए हुए ताकि एसी अगर होता तो पूरा जो हवा है वो पूरी रेगुलेट हो जाए, ऐसा नहीं। और हमने इस तरह का इंटीरियर डिजाइन किया है इसके अंदर, जी जी, जिसके अंदर जो स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहा है उसको एक एम्बियंस भी मिल सके पढ़ते वक्त कि हाँ थोड़ा माहौल मिले उसको पढ़ने का। जी जी, अच्छा, और इन्होंने देखिए हर एक वॉल पे इन्होंने कोट लिखा हुआ है, नेवर रिवील एवरीथिंग यू नो, ऐसे ऐसे करके बहुत ही सारी जो मोटिवेटिव जो कोट्स होते हैं वो इन्होंने हर वॉल पे लगाए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट अगर पढ़ने आएंगे तो उसके क्या कोई चार्जेस हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्जेस रहता है, जिसको पूरा दिन पढ़ना है, मैं रेट एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग रेट रहती है, मतलब एक एग्जांपल 800 रुपीज एवरेज रेटिंग रहती है हमारी यहाँ पर, 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से बच्चा यहाँ पे आके मन लगा के पढ़ सकता है। जी जी, रेस्टोरेंट के ऊपर लाइब्रेरी लगाने का हमारा मकसद ये था, जो भी बच्चा घर जाता है या पढ़ते रहता है तो वो अपना 2 घंटा खराब करता है, खाना खाने के लिए जाता है बनाता होगा शायद वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट से भी होगा, तो हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि वो नीचे आए, 10 मिनट में खाना खाए, 15-20 मिनट
मैं वो रेस्ट करे और वापस आके पढ़ने पे बैठ जाऊँ, मतलब ऊपर ले जाए। अच्छा एक और बात बता मुझे, ये इसमें कोई टाइमिंग की कोई लिमिट है कि बच्चा इतने टाइम से इतना? मॉर्निंग 7 o'clock हमारा ओपन होता है जी जी, जो रात को 11:15 तक हमारा क्लोज हो जाता। मतलब अपने बच्चे जो भी होंगे वो अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से वो अपन यहाँ पे आके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज खाने के साथ साथ में बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आराम से पढ़ भी सकते हैं। और टाइम, क्योंकि जब पढ़ाई की बात करते हैं टाइम जो बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आके आप आराम से खाना भी खा सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। सर अब अपन नीचे चलते हैं और देखते हैं आज खाने में क्या आपके लिए। जैसे अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने लिफ्ट की भी व्यवस्था रखी है। क्या बात है यार, चले अपन लिफ्ट से चलते हैं, आ जाएं। तो अगर जैसे कोई बच्चे हैं अगर वो चल नहीं पाते हैं या कुछ ऐसा होता है, डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए इन्होंने लिफ्ट भी रखी है। मतलब पूरी आपने फैसिलिटी दी है बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइसिंग के अंदर। एक्चुअली जो लोग विलेज से आते हैं जिनके पास एक नॉमिनल सा बजट भी है, जो जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं, अब अपन देखते हैं भाई साहब ना ये चलो उसमें। तो अब हम लोगों ने आपको, हाँ नमस्ते भाई साहब, हम लोगों ने आपको पूरा बता दिया। आप भाई साहब पूरा पूरा आज जो मेन्यू में जो आपने पूरा लगाया हुआ है ये इसमें बफे, ये बफे अच्छा वापस इसको अपन रिफिल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, एक जो आप थाली कह रहे हो, हाँ थाली थाली पूरी तरीके से रिफिलेबल है, लेकिन उसका वापस वही है, जैसे ही आप थाली करो वापस वो चार्जेबल है। टोकन मतलब एक टोकन आपको 10-10 rupees आपको चार्ज करने पड़ेंगे, कोई भी सब्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका दिखाएं ऐसा मुझे, बिल्कुल सर ये बेसन की कड़ी है, ये देखिए कड़ी देखो जो राजू जो अपनी जोधपुर में बहुत फेमस है। देखिए ये भी आपको सिर्फ 10 rupees मिल जाएगी भाई साहब, 10 rupees के अंदर। ये दिखाएं मैम इसका चम्मच, चम्मच ये देखिए मखनी दाल हो गई, क्या बात है। और अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो देखो जो ग्रेवी की जो थिकनेस है ना या दाल की या कड़ी की, वो ऐसा नहीं कि एकदम पतली है, मतलब 10 rupees में आपको ये इतनी क्वालिटी वाला खाना सर्व कर रहे हैं। और मैंने तो खाना खाया हुआ है, मुझे पता नहीं क्वालिटी क्या है। ये क्या मैम, छोले हैं और ये दिखाएं मटर पनीर, ये सब अच्छा ये शाही में आ गए ना, ये 30 rupees आपको पे करने पड़ेंगे। ये दिखाएं मैम शाही पनीर, और ये मसाले घट्टे हो गए, क्या बात है यार। ये हल्दी की सब्जी है, अच्छा सर्दी के हिसाब से प्योर देसी घी में बनी हुई है। ये किस, ये कितने की पैसा हल्दी की सब्जी? 60 rupees की, तो मतलब एक बार में आपको, क्या बात है जी जी। ये चावल हो गए और ये गाजर का हलवा हो गया, देखो एक बार खोलो मैम, ये देखिए क्या बात है, सुबह से रश चल रहा है जो, हाँ रश चल रहा है ना। तो ये तो वापस आप जैसे जैसे जब तक वैसे तक, तो चलिए साहब हमने आपको पूरा दिखा दिया, अब हम लोग चलते हैं अपना टोकन लेते हैं और फिर हम लोग हमारी पूरी जो थाली वो कस्टमाइज़ कर लेंगे। अच्छा मैंने ट्राई की भी, अब हम लोग आज इनका जो नया जो सिस्टम है टोकन सिस्टम वो मैं ट्राई करूँगा। तो 10 rupees का हम लोग कोई आइटम देख लेते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे इनका, एक तो ये आलू मटर कर देना भाई साहब 10 rupees का, एक आपका ये हो जाएगा हमारा ये कड़ी जोधपुरी कड़ी, पूरी कड़ी सर, गट्टे ट्राई करो सर। हाँ तो गट्टे दे दो, गट्टे कैसे आप मिस कर रहे हो? हाँ गट्टे का, हाँ गट्टे गट्टे ट्राई ऐसे करो, जोधपुरी कड़ी कर दो और गट्टे कर दो। ठीक है जोधपुरी कड़ी गट्टे गट्टे और चार रोटी हो गई, चार प्लेन रोटी या बटर सर? नहीं प्लेन दे दो यार, चार प्लेन रोटी। और इसमें एक ऐड कर देना आप गाजर का हलवा 50 grams। ओके सर अभी करवाते हैं। तो ये टोटल अपने कितने हो गए सर? सर इसके तो आपके 40 rupees हो गए सर। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, टोकन हमको मिल गया। ये जो मैंने एक तो इनकी, ये देखिए ये गट्टे की सब्जी हो गई हमने 10 rupees में ली है, कड़ी ली हमने 10 rupees में और चार रोटी हम लोगों ने ली है, तो कुल मिला के ये 40 rupees का हो गया। और साथ साथ में हमने गाजर का हलवा लिया है, वो कितने का वैसा? 20 rupees का, एक मिनट देता हूँ सर। जी जी ये सब मतलब हमारा जो मेन कोर्स है वो भी हो गया और साथ साथ में जो डेजर्ट है मीठा गाजर का हलवा वो भी हो गया। कुल मिला के मैं सिर्फ मात्र 60 rupees पे किए हैं, 60 rupees में मुझे सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई और साथ साथ में सर्दी के मौसम में गाजर का हलवा मिल गया। हल्दी की सब्जी मैं ट्राई करता लेकिन मेरा आज मन था मैं कोई राजस्थानी जैसे ये बेसन के गट्टे हो गए, कड़ी हो गई, ये मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग देखो एक दो चीज़ और ट्राई करेंगे तो करेंगे, वरना ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको रजवाड़ी तड़का पर आना पड़ेगा, जो कि राठा नाड़ा सब्जी मंडी वाला चौराहे पर लोकेटेड है। ये संगम चाय कौन सी है? ये समर्थ चाय बहुत फेमस है यहाँ पर, उसके एकदम पास में इनकी लोकेशन है। पेमेंट ये हमारा टोकन है मैम, अब आप हमारे लिए थाली बनाए। ये देखिए हाँ अच्छा मैम बना दी पूरा खाना जिनको
सर्व करते हैं, माँ का भी है। हाँ नहीं सही है, माता जी है। हाँ मैंने देखा ना, बाहर बैठे थे ना, अभी मैं देखूंगा। बहुत ऑप्शन है लड़के रखने के। हाँ लेकिन माँ की रोटी को आप बीट करके, वो सही तो वही तो बात है ना। ये हमारी मात्र 60 रुपये वाली थाली तैयार हो रही है, पूरा मैंने कस्टमाइज़ किया है इसको आपके सामने। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। देखिए हमारा गाजर का हलवा भी आ गया। अब आपको रोटी दिखा देते हैं हम लोग। रोटी ये आ गई है, देखिए गर्मा गर्म रोटी यहाँ पर आ गई है। सैलेड, चलिए लौटते हैं। नहीं नहीं, मुझे फोटो खींचना है। सब्जी 10 रुपये की हो गई, कड़ी जो हमारी जोधपुरी कड़ी है वो 10 की, ये 20 का, और रोटी कुल मिला के 60 रुपये हो गए। चलिए इसको ट्राई करते हैं। और रोटी देखो यार, एकदम घट जैसी इन्होंने तवा रोटी दी है, साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। 4 रोटी में आदमी का, एक आदमी का पेट फुल हो जाता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो गट्टे हैं उसको देखो, गट्टे कितने सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम घट जैसे इन्होंने बनाए। कभी कभी क्या, जैसे बेले और गट्टे होते हैं तो काफ़ी हार्ड होते हैं तो ऐसे ही टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना इजीली आप इसको तोड़ पा रहे हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। और जो ग्रेवी की जो थिकनेस है ना, वो चेक करो। पास में ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 10 रुपये में दे रहे हैं तो एकदम पतली सी इन्होंने ग्रेवी बना के दे दी, एकदम टॉप क्वालिटी की इन्होंने ग्रेवी बनाई है। एक नंबर यार, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में गट्टे की सब्ज़ी यार, मज़ा आ गया। अब हम लोग इनकी कड़ी ट्राई करेंगे। एक नंबर यार, जब भी मैं रजवाड़ी तड़का वहाँ भी कवर किया था, यहाँ भी इनका जो जायका है ना, प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। 10-20-30 रुपये में, 40 रुपये में आपको सब्जी खाना मिल जाएगा, लेकिन ये ज़बरदस्त क्वालिटी आपको ट्राई करनी है जो सिर्फ रजवाड़ी तड़का में मिलेगी। जिनकी लोकेशन है राठन नाड़ा सब्ज़ी मंडी, तो आप ये सब ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई करें। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग गाजर का हलवा देंगे और फिर खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। तो हम लोगों ने ले लिया, अब जो मैंने आपको यहाँ पर गाजर का हलवा लिया था, देखिए शुद्ध देसी घी में गाजर का हलवा। और ये अगर मीठे की बात करेंगे तो ये मैंने 20 रुपये में लिया, लेकिन 20 रुपये में जो क्वांटिटी ना, जैसे 50 ग्राम है ना भाई साहब, तो ये सफिशिएंट है। मतलब अगर कोई मीठे का अपना ऐसा, तो है मीठा एक चीज़ ऐसी होती है जिसे पेट भर के तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको क्वांटिटी है वो एकदम परफेक्ट है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। वाकई में यार लाजवाब है। सबसे बड़ी बात, शुद्ध देसी घी में बना हुआ है और ये बहुत अच्छा है कि ज़्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये हलवे मुझे ज़्यादा मीठे होते तो पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की रजवाड़ी तड़का में, और वाकई में 60 रुपये में एकदम मेरा दिल खुश हो गया। और पैसा वसूल खाना अगर आपको खाना है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे और फिर आपसे अलविदा कहेंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा यार मुझे, ये जो नया जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए ना, जो टोकन सिस्टम में आपने, मतलब बहुत ही कम प्राइस में वही सेम क्वालिटी जो आपने वहाँ खिलाई थी, उससे ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आपने मुझे यहाँ पे खिलाया है। तो भगवान आपको और तरक्की दे, और आप ऐसी बहुत सारी बातचीत खोलते रहें। जब वीडियो लाइव जाएगा तब हमारी तरक्की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान के हाथ में। तो इंशाल्लाह मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये कम प्राइस में, अगर आप यहाँ पर आपको ज़बरदस्त खाना खाना है, और स्टूडेंट के साथ साथ, मतलब स्टूडेंट के भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। अगर आपको जैसे बहुत से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से भी आए हुए, तो इन्होंने पूरी लाइब्रेरी ऊपर बनाई हुई है, 800 रुपये में आपको पूरे महीने की यार ये आपको सर्विस दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हम लोग तो सर क्या है, लोकली लोगों से अटैच रहते हैं, लेकिन आप लोग जैसे लोग हम लोगों को हर जगह पॉपुलर करते हो और लोगों को नहीं नहीं बिल्कुल सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं सर, प्रीशियस टाइम देते हो। नहीं 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 सर, थैंक यू वेरी मच। और ये सब बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको इस लायक समझते हैं, कि आप लोग हमको इन्वाइट करते हैं या हम लोगों को बुलाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इसका भगवान नज़र देगा इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, मैं आज ही डालता हूँ वीडियो।